हेलो क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक बार उसको एक ओवरव्यू देखते हुए उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि पूरे बॉडी पे अगर कोई बॉडी है उस पर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्स लगता है। तो अगर हम किसी बॉडी को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दें या छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको स्टडी करें तो हर एक पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो ये सारे फोर्स जो हैं, इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है, किसी बॉडी के सारे फोर्स के रिजल्टेंट को जो फोर्स जो एक्ट करता है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी मे अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब कि किसी भी बॉडी पे का जो पूरा फोर्स जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा वेट जो है वो एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर दूसरी भाषा में कहें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि किसी बॉडी हर बॉडी पे जो है वो वेट उसका वेट जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इस पूरे फोर्स को, इस पूरे वेट को अगर हम इंटीग्रेट करें और उनका समेशन करके रिजल्टेंट निकालें तो जिस पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का फोर्स एक्ट करेगा, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी बॉडी में एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक बॉडी में दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सभी पोर्शन में क्या होता है, किसी भी पोर्शन को हम लेकर चलें उसमें सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल सी जी से या सिंपली सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ कैपिटल सी जी लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर सी जी के जगह, या फिर सी सिर्फ सी लिखा होगा या फिर सिर्फ जी लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि एक एग्जांपल हम लेके सॉल्व मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ एक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक जैसा फिगर में इसमें दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, उसको किसी भी पॉइंट से उसको हैंग कर देते हैं। हैंग करने के बाद हम देखते हैं कि जिस कॉर्ड से या जिस स्ट्रिंग से हैंग किया गया हुआ है उसी लाइन ऑफ एक्शन में बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। यानी बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है और जो कॉर्ड जिससे बॉडी किसी भी पॉइंट से हैंग हुआ है वो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तो अगर हम ये लाइन ऑफ एक्शन को डॉटेड लाइन से मार्क करें या छोटे छोटे पॉइंट से मार्क करें, उसके बाद अगर हम फिर जो हैंगिंग पॉइंट ए है उसको चेंज करके बी पे ले आएँ और फिर सिमिलर प्रोसीजर करें, उसके वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है और जो कॉर्ड जो बी पॉइंट से हैंग कर रहा है उसके अबाउट एक लाइन को ड्रॉ करें या उसके उस लाइन ऑफ एक्शन को मार्क करें, तो हमको ये पता चलेगा कि हम चाहे किसी भी डायरेक्शन से इस बॉडी को हैंग करें, ठीक है, उसका बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये सारे लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होंगे वही पॉइंट जो है वो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है क्या, कंसिडर ए थ्री डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी साइज शेप हैविंग ए मास एम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी शेप और साइज का एक बॉडी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी शेप और साइज का एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास जो है वो एम है। जैसा फिगर दिया हुआ है ए में, एक इररेगुलर शेप का बॉडी है जिसका वेट जो है वो डब्ल्यू है, मास एम है, वेट डब्ल्यू है, और वो ए पॉइंट से कॉर्ड के जरिए या स्ट्रिंग के जरिए हैंग किया हुआ है, ठीक है। इफ़ वी सस्पेंड द बॉडी एज शोन इन फिगर फ्रॉम एनी पॉइंट सच एज ए, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ
टेंशन इन द कॉर्ड एंड द रिजल्टेंट डब्ल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस जो बॉडी हम इरेगुलर शेप का, थ्री डायमेंशनल इरेगुलर किसी भी शेप और साइज का, हम क्या किए, एक बॉडी ले लिए और उसको ए पॉइंट से हैंग कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसको मार्क कर दे रहे हैं कि वो ए पॉइंट है। ठीक है, उसको मार्क कर दे रहे हैं कि वो ए पॉइंट है। अब जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, टेंशन जो होगा कॉर्ड में वो टेंशन कॉर्ड में एक्ट करेगा और वेट जो है वो डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसी वजह से ये पूरा बॉडी जो है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम बॉडी का अगर लाइन ऑफ एक्शन देखें कि वेट जो है वो किस लाइन के अबाउट एक्ट कर रहा है, और स्ट्रिंग में देखें कि ये स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है वो किस लाइन के अबाउट एक्ट कर रहा है, तो हमको ये पता चलेगा कि ये दोनों जो है वो एक ही लाइन के अबाउट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट डब्ल्यू इज कोलिनियर विद द कॉर्ड। मतलब जो कॉर्ड जिससे ये टंगा हुआ है, जिससे ये हैंग है बॉडी, और जो डब्ल्यू है, ये दोनों जो है वो कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर मतलब कि वो सारे फोर्स, ये दोनों फोर्स जो है वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूम दैट वी मार्क इट्स पोजीशन बाय ड्रिलिंग ए हाइपोथेटिकल होल ऑफ नेग्लिजिबल साइज अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। हम क्या कर रहे हैं कि जिस लाइन ऑफ एक्शन पे ये एक्ट कर रहा है, जिस कोलिनियर, ये डब्ल्यू और कॉर्ड जो है कोलिनियर फोर्स है, तो जिस लाइन पे ये एक्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइपोथेटिकली मार्क कर दे रहे हैं या किसी भी तरीके से मार्क कर दे रहे हैं कि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर डिटरमाइन करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या। टू डिटरमाइन मैथमेटिकल द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टू द पैरेलल सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमको अगर मैथमेटिकली पता करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी बॉडी का कहाँ पे है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का सहारा लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का सहारा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट अबाउट विच द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं किसी भी बॉडी, किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होगा, उसका समेशन जो है वो जीरो होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ से हम कहीं का भी मोमेंट लें, ठीक है, जहाँ से हम मोमेंट का समेशन करें किसी भी बॉडी एलिमेंट के, बॉडी के किसी भी एलिमेंट का, तो उनका समेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कॉर्ड को ए पॉइंट पे है, एक पॉइंट से हैंग किया गया था, अब हम उसको चेंज करके बी पॉइंट से कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सी में क्या करते हैं, फिगर सी में हम क्या कर रहे हैं कि उसको चेंज करके सी पॉइंट पे कर रहे हैं। तो हमको पता क्या चल रहा है कि हम जो लाइन ऑफ एक्शन मार्क कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वही है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय सस्पेंडिंग द बॉडी फ्रॉम अदर पॉइंट्स सच एज बी एंड सी, एंड इन ईच इंस्टेंट वी मार्क द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, सेम चीज कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले ए पॉइंट से कॉर्ड को हैंग किया गया था बॉडी को, ठीक है, पहले क्या किया गया था कि पहले बॉडी को ए पॉइंट से हैंग किया गया था कॉर्ड की मदद से, फिर सिमिलर उसके वेट जो एक्ट कर रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया गया, फिर बी पॉइंट से सेम बॉडी को बी पॉइंट से हैंग किया गया, फिर उसके वेट और कॉर्ड जो कोलिनियर है उस पॉइंट को मीट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया गया, फिर उसके बाद सी पॉइंट को, सी पॉइंट से बॉडी को हैंग किया गया, और फिर उसके वेट और
स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको कोलिनियर बनाया गया, ठीक है, क्योंकि वो कोलिनियर है। फिर उसके बाद हमको ये पता चला कि ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों हाइपोथेटिकल लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे भी ये मीट कर रहे हैं वो होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस लाइन ऑफ एक्शन विल बी कॉन्करेंट एट ए सिंगल पॉइंट जी विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। कितने भी प्रैक्टिस हम लोग कर लें, कितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग यूज कर लें, मतलब कि ए बी सी मैंने तीन पॉइंट्स लिया है, आप चार पॉइंट ले लो या दस पॉइंट ले लो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर हैंग बॉडी को हैंग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सारे लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी सब जो है वो कॉन्करेंट है, और उस पॉइंट को हम जी से डिनोट कर रहे हैं और उसका उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। सिंपल से अगर एक लाइन में कहें तो हम बॉडी को किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट से अगर हैंग कर रहे हैं और उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे, जितने भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, तो वो जिस पॉइंट पे भी मीट करेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ये एक ब्लॉक है जिसको तीन फेज इसमें शो किया गया है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी जो है वो तीन फेज से शो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले फेस ए से बॉडी को हैंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फेस ए से बॉडी को हैंग कर रहे हैं तो एक टेंशन आएगा कॉर्ड में और एक वेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ए पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं इस, अच्छा जो ए पॉइंट से हम हैंग कर रहे हैं और वेट जो है वो हमको पता चला है कि ये कोलिनियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ करके मैच करा दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बॉडी को बी पॉइंट से हैंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी को बी पॉइंट से हैंग कर रहे हैं। जब बी पॉइंट से हैंग कर रहे हैं तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है और बी में जो है वो स्ट्रिंग में या कॉर्ड में टेंशन आ रहा है, तो जब हम इसके लाइन को मैच कराएंगे, डॉटेड लाइन से इसको मैच कराएंगे, तो हमको पता चलेगा कि लाइन ए ए और लाइन बी बी ये दोनों जो है, ये लाइन ए से ए तक और बी से बी तक, ये दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट जी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, सी फेस से भी हम बॉडी को हैंग कर रहे हैं, तो जब बॉडी को हैंग कर रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि वेट और सी जो है वो एक कोलिनियर है और ये कोलिनियर लाइन जो है, ये कोलिनियर फोर्स जो है वो ए ए लाइन को और बी बी लाइन को जी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये जो जी पॉइंट है यहाँ पे तीनों कोलिनियर फोर्सेज जो हैं, ये तीनों लाइन जो है वो मीट कर रहे हैं, तो इस जी पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स W अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स W को अगर किसी एक्सिस से हम उसका मोमेंट निकाल रहे हैं तो वो उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा किसके, अगर हम उसी बॉडी को स्मॉल पार्ट्स में अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उस पॉइंट से किसी एक सेम एक्सिस से उस बॉडी का जो रिजल्टेंट आएगा मोमेंट वो सेम होगा, मतलब कि किसी भी बॉडी का अगर किसी एक्सिस से हम मोमेंट निकाल रहे हैं वो बराबर होगा, समेशन करें अगर उसी बॉडी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें और सेम एक्सिस से उन छोटे छोटे पार्ट्स का अगर मोमेंट हम निकालें तो उन सारे मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा, उन सारे मोमेंट का जो समेशन होगा वो बराबर होगा डब्ल्यू इंटू होल बॉडी और उसके मोमेंट के, ठीक है, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या, वेरिग्नन थ्योरम। वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वेरिग्नन थ्योरम ये करता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम अगर ये कहें तो किसी पॉइंट से अगर हमको मोमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं,
इस पॉइंट से उस वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और उस वेट को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमको मोमेंट बताता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो एक्स बार होगा, एक्स बार इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो वेट होगा, ये होगा बराबर सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट वाई एक्सिस। तो हम क्या करें कि ये बराबर होगा कि अगर उसी बॉडी को हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें और फिर उसका मोमेंट लें तो डी डब्ल्यू जो होगा, अब उसी एक्सिस से डी डब्ल्यू का मोमेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, इन सबका इंटीग्रेशन, सारे वेट का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये सेम होगा जो एक्स बार इंटू डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट हमको यहाँ से मिलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन करें पूरे बॉडी के लिए तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो एक्स बार इंटू डब्ल्यू के, कैपिटल डब्ल्यू के बराबर होगा, जहाँ पे डब्ल्यू जो है वो बॉडी का मास है, जहाँ पे डब्ल्यू जो है वो बॉडी का मास है, ठीक है। अब इसी को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा गया है, हम क्या कर रहे हैं कि जो W इंटू डब्ल्यू डॉट एक्स बार था, हम क्या कर रहे हैं W को नीचे ले आके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन जा रहा है, एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल W। हम क्या कर रहे हैं इस फिगर में देखें तो ये पूरे बॉडी का वेट जो है वो W है, ठीक है, और इस पूरे बॉडी का जो वेट है वो अगर हम y एक्सिस से देख रहे हैं तो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो y एक्सिस से x बार के डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट क्या होगा, x बार इंटू डब्ल्यू। लेकिन अगर उसी बॉडी को हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू, इस छोटे पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू और इस y एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा x, इस y एक्सिस से, इस y एक्सिस पॉइंट का y एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x, तो x डॉट डी डब्ल्यू अगर इसको पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दें तो हमको x बार मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम y और z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता कर सकते हैं, कैसे, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर y बार को हमको पता करना है तो हम x एक्सिस को पॉइंट मान लें, x एक्सिस को जो है रेफरेंस मान लें, x एक्सिस के अबाउट निकालें तो क्या होगा, y, अच्छा ये कैपिटल W के पूरे बॉडी के लिए क्या होगा, W इंटू वाई बार, W इंटू वाई बार इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी डब्ल्यू, अगर हम इस छोटे से पार्ट के लिए लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन होगा क्या, इस छोटे से पार्ट के लिए लिख रहे हैं तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटू वाई, अब इसी को पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट करें तो हमको पूरे बॉडी का मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए लिख रहे हैं तो जेड एक्सिस के लिए क्या करते हैं, हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट हम देखते हैं कि जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी दूरी पे ये बॉडी है, तो क्या होगा, अगर हम पूरे होल बॉडी पे देख रहे हैं, पूरे होल बॉडी का देख रहे हैं तो डब्ल्यू इंटू जेड बार हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, छोटे से बॉडी को अगर हम कंसिडर करें, छोटे से पार्ट को कंसिडर करें तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर दे रहे हैं जीरो से लेके पूरे बॉडी के लिए और डिवाइडेड बाई कैपिटल W से डिवाइड कर दे तो हमको x बार मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये तीनों जो है वो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो x एक्सिस से, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, ये हमको सारे कोऑर्डिनेट्स उसके पता चल जाएंगे। अगर कोई बॉडी जो है वो 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा गया है तो वहाँ से इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि वो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे और z एक्सिस पे से कितने डिस्टेंस है। सिंपल अगर एक लाइन में कहें तो हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसने इस तरीके से जो इक्वेशन वन यहाँ पे मेरा आया है उसी को इक्वेशन वन यहाँ लिख दें। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम W को, क्योंकि वेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन होता है मास इंटू ग्रेविटी का, m इंटू जी का,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, मास इंटू ग्रेविटी से एम इंटू जी से हम इसको रिप्लेस करेंगे। जहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है वहाँ हम लिख देंगे एम स्मॉल एम इंटू जी, और जहाँ डी डब्ल्यू है स्मॉलर पार्ट है वहाँ लिखेंगे डी एम डॉट जी, मतलब ग्रेविटी इंटू डी एम उस छोटे से पार्ट का मास। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डी डब्ल्यू छोटे से पार्ट का को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका अगर हम एम इंटू जी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा जी, और इस बॉड छोटे से बॉडी का मास डी एम। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब जब हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं तो हमको पता है कि ऊपर जो है, अच्छा जी जो है वो दोनों सब पार्टिकल के लिए या किसी भी पोजिशन के लिए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टेंट है तो हम जी ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है जी जो है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डी डब्ल्यू में भी हम रखेंगे तो जी इंटू डी एम हो जाएगा, और नीचे डब्ल्यू में भी अगर रखेंगे तो एम इंटू जी हो जाएगा, तो जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम अपॉन एम, और वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एम अपॉन एम, और जेड बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी एम अपॉन एम। ये हमको इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब हमको पता है अगर हम ये मान के चलें कि बॉडी का अगर डेंसिटी सेम है, मतलब जो बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं उसका डेंसिटी जो है वो हर जगह सेम है, तब जो रो से अगर, ठीक है आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अगर रो से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर बॉडी का जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो फिर हमको थोड़ा सा इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं द डेंसिटी रो ऑफ ए बॉडी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी बॉडी का डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, thus the mass of a differential element of volume dv becomes m equals to rho into dv। यहाँ पे हम लिख सकते हैं mass density equal to होता है mass upon volume, तो हम क्या mass के लिए लिख सकते हैं density into volume। तो अगर हम छोटे से volume को consider कर रहे हैं जिसका mass dm है और volume dv है, तो उसका dm equals to क्या हो जाएगा, rho into dv यहाँ से। ठीक है, हमको पता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हम डी एम अगर लिखें एक्सप्रेशन में तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इफ रो इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द बॉडी देन वी मे राइट द एक्सप्रेशन एज। ठीक है, अगर डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट है हर जगह तब तो हम ये ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, और वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, लेकिन अगर डेंसिटी जो है वो पूरे बॉडी में थ्रू आउट नहीं है तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट रो डॉट डी वी। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन टू में क्या था, डी एम था, तो हम डी एम को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, यहाँ पे डी एम इक्वल टू रो इंटू वी था, डी एम इक्वल टू रो इंटू डी वी था, और हम क्या कर दे रहे हैं इसी इक्वेशन टू में डी एम की जगह रो इंटू dv से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब रो इंटू dv से रिप्लेस करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, x बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट रो डॉट dv अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट dv। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x डॉट dm होना चाहिए था, और यहाँ पे नीचे m होना चाहिए था, लेकिन हमको क्वेश्चन मतलब इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर जो है वो डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मास को भी। ठीक है, तो अब y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट रो डॉट dv अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट dv, और z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z डॉट रो डॉट dv अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट dv। ठीक है, ठीक है, अब उसी इक्वेशन टू को क्या कहते हैं, इक्वेशन टू, अच्छा इक्वेशन टू जो है वो जी से इंडिपेंडेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इंडिपेंडेंट है, इसमें कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी,
एंड देयर फॉर डिफाइंड ए यूनिक पॉइंट इन द बॉडी. ठीक है, डिफाइन ए यूनिक पॉइंट इन द बॉडी विच इज ए फंक्शन सोल्ली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ठीक है, जो इक्वेशन टू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जी है, जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, देयर फॉर डिफाइंड ए यूनिक पॉइंट इन द बॉडी. ठीक है, विच इज फंक्शन सोल्ली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ठीक है, एक यूनिक पॉइंट को डिफाइन कर रहा है जो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड क्लियरली कॉइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लॉन्ग एज द ग्रेविटी फील्ड इज ट्रीटेड एज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल. ठीक है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और ये कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सॉरी, इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं और ये कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तब तक जब तक कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल है. ठीक है, एक बार इसको फिर से बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करता है तब तक जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और पैरेलल है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक्स बार इक्वल टू क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट रो डॉट डी वी. इक्वेशन थ्री को यहाँ से फिर से लिखा गया है. ठीक है, इक्वेशन थ्री को यहाँ फिर से लिखा गया है, व्हेन द डेंसिटी रो ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट, इट विल बी कॉन्स्टेंट फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर ऑफ इक्वेशन थ्री एंड विल देयरफॉर कैंसिल आउट द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज प्योरली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब ये कहा गया है कि अगर डेंसिटी रो जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द बॉडी, अगर कोई बॉडी है जिसका डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, हम उस बॉडी के किसी पार्ट को स्टडी करें, किसी भी छोटे से बड़े किसी भी पार्ट को हम स्टडी करें, वो उसकी डेंसिटी जो है वो हर जगह कॉन्स्टेंट है. तो अगर कॉन्स्टेंट है तो हमको पता है कि इस इक्वेशन थ्री में डेंसिटी से ऊपर डेंसिटी जो है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है और कॉन्स्टेंट है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद इक्वेशन थ्री का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ठीक है, वो प्योरली जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद अगर रो इसमें से कैंसिल कर देते हैं तो जो भी एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या होगा, प्योरली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अगर उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके सेंटर पे होगा. ठीक है, उस बॉडी के सेंटर पे होगा. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर हम डेंसिटी, अगर पूरे बॉडी में जो डेंसिटी जो थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट है, तो हमको इक्वेशन थ्री में दिख रहा है कि रो जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही है. तो जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इक्वेशन थ्री का वो प्योरली डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे. ठीक है, वो पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा बॉडी का. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, व्हेन स्पीकिंग ऑफ एन एक्चुअल फिजिकल बॉडी वी यूज द टर्म सेंटर ऑफ मास. द टर्म सेंट्रॉइड इज यूज्ड व्हेन द कैलकुलेशन कंसर्न्ड ए ज्योमेट्रिकल शेप ओनली. ठीक है, अगर हम बात करें एक फिजिकल एक्चुअल फिजिकल बॉडी तो हम क्या कहते हैं, टर्म यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है, हम नॉर्मली अगर किसी फिजिकल बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. लेकिन द टर्म सेंट्रॉइड इज यूज्ड व्हेन द कैलकुलेशन कंसर्न्ड ए ज्योमेट्रिकल शेप ओनली. ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी को के कैलकुलेशन को, अगर हम उसके ज्योमेट्रिकल शेप को कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके ज्योमेट्रिकल शेप को सिर्फ कैलकुलेशन में कंसर्न में लेते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड्स फॉल विद इन थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर वी कैन मॉडल द शेप ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व एज लाइन और एरिया और वॉल्यूम. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो प्योरली जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, लेकिन अब सेंट्रॉयड जो है वो तीन डिफरेंट कैटेगरी में आता है. ठीक है, वेदर वी
कैन मॉडल द शेप ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, ठीक है, वो अगर किसी क्लाइंट को स्टडी करते हैं या एरिया को स्टडी करते हैं या वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, वो इन्हीं कैटेगरी में आता है, ठीक है। द सेंट्रॉयड सी ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, अगर किसी लाइन में, अगर कोई किसी लाइन में, किसी लाइन का, किसी एक वन डायमेंशनल लाइन का अगर हमको सेंट्रॉयड पता करना हो तो हम किस तरीके से पता करते हैं, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन का, एरिया का और वॉल्यूम का हम अगली क्लास में सेंट्रॉयड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी इस क्लास में इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।